जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला देखने को मिल रहा है। आठवीं क्लास का एग्जाम देती छात्राओं से टीचर ने गलत हरकत की है। छात्रा को विरोध करने पर उन्हें फैल करने के लिए धमकाया। एग्जाम सेंटर पर छात्राओं से हुए इस घटना का पता चलने के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन स्कूल संचालक ने स्टाफ की मदद से उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके दौरान हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। यह पूरा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर पुलिस ने बताया कि न्यू लोहा मंडी रोड मचाड़ स्थित प्राइवेट स्कूल के संचालक सहित परिजनों ने शिकायत दी है। उनके स्कूल के आठवीं बोर्ड परीक्षा का सेंटर न्यू लोहा मंडी रोड स्थित प्राइवेट स्कूल में आया था। 8 अप्रैल को स्कूल में छात्राएं आठवीं का एग्जाम दे रही थी। इसी दौरान एग्जाम के सेंटर के दौरान टीचर ने वहां पर उनके साथ एग्जाम देते हुए तीन छात्राओं से गलत हरकत की है, जिसके दौरान छात्रा ने विरोध किया तो उन्हें फैल करने के लिए धमकाया। एग्जाम के बाद लेने पहुंचे परिजन और खुद के स्कूल संचालक को टीचर के छेड़छाड़ करने के बारे में बताया। परिजनों के विरोध करने पर एग्जाम सेंटर के संचालक को शिकायत दी। एग्जाम सेंटर संचालक ने इनके साथ गलत हरकत करने का भी मामला गलत बताया था, जिसके दौरान उन्होंने अपने स्टाफ की मदद से सभी परिजनों को बाहर निकाल दिया है, जिसके दौरान हरमाड़ा थाने ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और रिपोर्ट के दौरान जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।